जब दिल चाहे कुछ स्वादिष्ट खाने का तो सब्सक्राइब करें चैनल स्वाद दिल्ली का और मेरी वीडियो आपसे कोई मिस ना हो सो प्रेस द बेल आइकन। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू मेक क्रिस्पी फ्राइड अनियन। जी हाँ व्यूअर्स, हम अनियन आज फ्राइड अनियंस को आपको क्रिस्पी बनाने का तरीका और एक स्पेशल ट्रिक हम आपसे शेयर कर रहे हैं जो कि बहुत ही ईजी है। ये देखिए, हमने दो मीडियम साइज़ की अनियन यानी प्याज ली है और इसको हमने सेंटर में से इस तरह हमें इसे कट करने हैं और इसे हाफ वे काटना है हमें। और जो इसको हमें क्रिस्प करने का जो हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं वो है हमें कॉर्नफ्लावर लेना है। कॉर्नफ्लावर अगर आपके पास ना हो तो आप राइस फ्लावर भी ले सकते हैं। तो बहुत ही ईजी और बहुत ही जल्दी से हमारी फ्राइड अनियंस बन जाती हैं। आप इसे बिरयानी में इस्तेमाल कीजिए, कौरमे में इस्तेमाल कीजिए और काफ़ी चीज़ों में हमारी डिशेस में इस्तेमाल होती है ये। अब सबसे पहले हमने प्याज को स्लाइस कर लेना है। तो देखिए हमने ये कितनी फाइनली स्लाइस किया है, हमने बहुत बारीक स्लाइस करना है इस तरीके से। देखिए आप चाहें तो हाथ से कर सकते हैं, स्लाइसर की हेल्प से कर सकते हैं। और फिर हाथ से इस तरह इसको क्रश कर लेना है ताकि इसकी एक एक जो पंखी है वो खुल जाए। अब हमें क्या करना है व्यूअर्स, ऑयल को हमें गर्म होने रख दिया है व्यूअर्स। अब हम एक सिफ लेंगे और उसके अंदर हम अपनी जितना स्लॉट हमें फ्राई करना है उतना हमें लेना है और हमें डायरेक्ट इस पर कॉर्नफ्लावर लगा देना है और वेट नहीं करना क्योंकि ये पानी छोड़ देता है तो उसके बाद ये सौगी हो जाती हैं। बस मिनटों में आप इसे कॉर्नफ्लावर कोट कीजिए और फौरन आप इसे ऑयल में डाल दीजिए। ये देखिए हमने अच्छे से कॉर्नफ्लावर इस पर लगा दिया है। इस ट्रिक से अगर आप अपनी फ्राइड अनियन बनाएंगी तो कभी भी आपकी सॉफ्ट नहीं होंगी। और ये देखिए कितनी क्रिस्पी हमारी फ्राइड अनियन तैयार होंगी। ये हमने इसे ऑयल में डाल दिया है, मीडियम टू हाई हमें ऑयल की फ्लेम रखनी है। इसे अच्छे से हमने गर्म कर लिया था, इसको हमें बस एक से दो मिनट ही इसको इस तरह करना है और ये देखते देखते कितनी जल्दी क्रिस्पी हो जाएंगी। और आप एक आपको एक बात बताते चलें, कभी भी अनियन को ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना। बस आप देखेंगे कि इसकी जो एजेस हैं वो अगर गोल्डन होने स्टार्ट हो गए हैं जैसे मैं आपको अभी दिखाऊंगी, उसे देखते ही आप अपने जो फ्लेम है उसको ऑफ़ कर दीजिए। क्योंकि जो हमारी अनियन होती है वो कुकिंग प्रोसेस में रहती है, अगर हम इसे काफ़ी देर तक ही इसको कुक करते हैं और हम बाहर भी निकालते हैं इस ऑयल से तो ये जब भी कुक होती रहती है और ये और डार्क हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, फिर आपकी जो डिशेज़ हैं वो ख़राब हो सकती हैं। तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखिए व्यूअर्स। ये देखिए दो तीन मिनट हो गए हैं और ये हमारी साइडों से गोल्डन होने स्टार्ट हो गई है, पर अभी हम इसे नहीं निकालेंगे। अभी थोड़ी पिंकिश है और जैसे ही इसका कलर गोल्डन ब्राउन होगा, लाइट गोल्डन, तो हम अपना जो गैस है वो ऑफ़ कर देंगे और फिर वो इसमें भी कुक होती रहेंगी। ये देखिए थोड़े क्रिस्प हो रही हैं। इस ट्रिक को देखने के बाद आपको फ्राइड अनियन बनाने का कभी झंझट नहीं होगा व्यूअर्स, आप कभी परेशान नहीं होंगे। आप इसे दली में डालिए, किसी भी डिशेस में, नहारी के लिए, किसी भी के लिए बनाइए जिसमें क्रिस्पी अनियन चाहिए होती हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही आसानी से घर पर बन जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये साइडों से इसके एजेस जो हैं वो गोल्डन हो गए हैं। अब हम अपने फ्लेम को बंद कर देते हैं व्यूअर्स। ये कुकिंग प्रोसेस पर अब भी रहेंगी, देखिए कितनी जल्दी ब्राउन हो गई हैं। बस इसको हम एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं और फैला लेते हैं। डायरेक्ट इसे हवा में रखना है हमें, पंखे की हवा में आप इसे रख दीजिए डायरेक्ट। और ये देखिए कितनी अच्छी गोल्डन ब्राउन हमारी फ्राइड अनियन बन गई हैं। मैं आपकी इसको क्रिस्पीनेस भी आपको दिखाऊँगी, बहुत ही अच्छी बनी है। ऐसे ही हम दूसरा स्लॉट भी फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हमारे फ्राइड अनियन तैयार हैं और इसकी क्रिस्पीनेस आप चेक कर सकते हैं व्यूअर्स, कितनी क्रिस्पी है, यूं ही टूट रही है। और इसको हम इस तरह अपने किसी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और फिर इसे आप जब भी आपको बनाना हो तो आप मिक्सर ग्राइंडर जार में पीस लीजिए। तो है ना व्यूअर्स, ये कितनी ईजी टिप जो मैंने आपको दी है क्रिस्पी फ्राइड अनियन की। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट करें और मेरे चैनल स्वाद दिल्ली का को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नए मेहमान हैं प्लीज़ सब्सक्राइब स्वाद दिल्ली का, दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।